अगला चैप्टर है इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए, धृतराष्ट्र के पास दौड़कर गए और बोले, पांडव अभी जीवित है और राजा द्रौपदी की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। पांचों भाइयों ने विधि के साथ द्रौपदी के साथ शादी कर ली है और कुंती के साथ वे सब द्रौपदी के यहाँ कुशल से हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र खुशी प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, ये बड़ी ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब पता चला कि पांडवों ने लाख के घर को भीषण आग से किसी तरह बचकर और एक साल तक कहीं छुपे रहने के बाद अब पराक्रमी पंचाल राज की कन्या से शादी कर ली है और अब वे पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो गई। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुना दिया। मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। इसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी हम ऐसा कोई उपाय कहे जिससे हम सदा के लिए निश्चित हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना हक जमाएंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब एक साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्होंने काफ़ी अनुभव प्राप्त हो गया है। एक शक्ति संपन्न राजे के यहाँ उन्होंने शरण ली है, इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं। हमारे पास केवल एक ही उपाय रहेगा और वह ये कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडव पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार प्यार था, इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी गलत सलाह दे रहे हैं। राजन शासकों का कर्तव्य है कि जो मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले पर रख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गुस्से से बोला, दुष्ट कर्ण तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। ये निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा भीष्म की सलाह न मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने ही वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो भी बताया वही सही है, कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लेवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर तो राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर यकीन नहीं हुआ, सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्र पर फिर कोई मुसीबत ना आया जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरे देते हुए कहा, देवी आप निश्चित रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के सोने बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो गया था, युधिष्ठिर को विधि पूर्वक राज्य अभिषेक हुआ। आधा राज्य पांडवों के अधीन
और आधा युधिष्ठिर को दिया गया। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है, एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़ जाए। इस कारण मेरी सलाह है कि तू खंडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और खंडव वहीं पर राज करो। और खंडवप्रस्थ वह नगरी है जो पूरु, नहसु और ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खंडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हीं को प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर पांडवों ने खंडवप्रस्थ के भग्नान शेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण करवा दिया। सुंदर भवन, अभेद दुर्ग आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ के शान और सुंदरता ऐसी हो गई, सारा संसार उसको प्रशंसा करते ना थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव जो थे 23 साल तक सुखपूर्वक जीवन बिताते रहे, न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। कितनी देर का